हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल चलिए जानते हैं इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं नॉमिनी की। तो दोस्तों, LIC हो या कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी हो, उसमें नॉमिनी जरूरी होता है ताकि आपके ना रहने पर वो जो पैसा है वो सही हाथों में पहुंच सके। तो कई लोग नॉमिनी नहीं डालते, यही कारण है कि अभी बैंक और इंश्योरेंस सेक्टर में जो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा है 1,56,539 करोड़ रुपए जो पड़े हैं वो अनक्लेम पड़े हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके अमाउंट भी उसी में जुड़ जाएं, तो प्लीज़ दोस्तों अपनी जो नॉमिनी डिटेल है वो अपडेट रखें। अगर वो ब्लैंक छोड़ी हुई है, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हो चाहे इंश्योरेंस सेक्टर में, उसको अपडेट ज़रूर कराएं, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई आपकी फैमिली तक पहुँच सके आपके ना रहने पर। तो चलिए जानते हैं नॉमिनेशन इंश्योरेंस सेक्टर में कैसे और किस किस को किया जा सकता है। तो दोस्तों, जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो प्रपोजल फॉर्म पे एक नॉमिनी की डिटेल होती है जिसको भरना होता है। लेकिन कई लोग होते हैं कि नॉमिनी पर ध्यान नहीं देते, उसको हल्के में लेते हैं और वो उनके लिए भारी पड़ जाता है। यानी जब ऐसा कोई क्लेम आता है डेथ के ऊपर, तब नॉमिनी या उसका उत्तराधिकारी काफ़ी चक्कर लगाने पड़ते हैं उन पैसों को लेने के लिए इंश्योरेंस में या फिर कोर्ट कचहरी के। तो दोस्तों, इंश्योरेंस लेते समय प्रपोजल फॉर्म पर ही आप लोग अपने नॉमिनी की डिटेल पूरी पूरी और सही भर दें और उसको हल्के में ना लें। तो दोस्तों, कौन हो सकता है नॉमिनी? तो नॉमिनी में दोस्तों आपके वाइफ, बच्चे, माता पिता, ये लोग हो सकते हैं ब्लड रिलेशन में। और नॉमिनी इसमें जो भी होता है वो उसी को ही पैसा LIC या इंश्योरेंस कंपनी देती है, क्योंकि पॉलिसी होल्डर की ये निजी चीज़ है। और इसमें अगर वो अपने नॉमिनी की डिटेल भर देता है तो क्लेम के दौरान उसी नॉमिनी को पूरा अमाउंट दिया जाता है। हाँ, अगर एक कंडीशन है कि मान लीजिए कि नॉमिनी कस्टमर ने भरा, पॉलिसी होल्डर ने भरा और किसी कारण से नॉमिनी की डेथ हो जाती है, और नॉमिनी को अक्सर हल्के में लिया जाता है और वो उस समय चेंज नहीं कराते। मान लीजिए किसी शख्स ने पॉलिसी अपनी 20 साल की उम्र में ली और उस समय उसने अपने माता या पिता को नॉमिनी बना दिया, और कुछ समय बाद पॉलिसी खत्म होने से पहले माता या पिता जो भी नॉमिनी है उनकी डेथ हो जाती है और पॉलिसी होल्डर उसको किसी कारणवश नहीं करा पाता चेंज, और कुछ समय पश्चात पॉलिसी होल्डर की भी डेथ हो जाती है, तो वहां पर केस फंस जाता है कि पैसा किसको दिया जाए। ना तो नॉमिनी जिंदा है और ना ही पॉलिसी होल्डर। फिर कोर्ट में जो भी उत्तराधिकारी तय होता है, या फिर कई चीजें होती हैं कि उन पैसों पे क्लेम करने वाले काफी लोग आ जाते हैं, तो उस समय जो उत्तराधिकारी कोर्ट तय करता है, इंश्योरेंस कंपनी उसी उत्तराधिकारी को पैसे देती है। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि ध्यान रखनी होती है पॉलिसी सर्विसिंग। आप नॉमिनी जो है डिटेल कभी भी चेंज करा सकते हैं, आपका अधिकार है दोस्तों कि आप कभी भी पॉलिसी पर नॉमिनी को चेंज करा सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसमें मल्टीपल नॉमिनी भी रख सकते हैं, यानी शेयर के हिसाब से। आप मान लीजिए कि आपने एक पॉलिसी खरीदी और पॉलिसी में आप अपने दोनों बच्चों को नॉमिनी बनाना चाहते हैं, तो प्रपोजल फॉर्म पे दोनों बच्चों का नाम लिख करके आपको परसेंटेज शेयर, ये सारी चीज़ें भी उसमें ऑप्शन होता है फॉर्म में, आप डिटेल भर सकते हैं। और दोस्तों, अपने नॉमिनेशन को हमेशा अपडेट करें, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो या किसी भी इन्वेस्टमेंट में हो, ताकि आपका जो मेहनत की कमाई है वो आपके परिवार को मिल सके। तो दोस्तों, ये थी अपडेट। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।